सेल यानी कि कोशिकाएं जिनसे सभी जीव जंतु बने हुए हैं, पेड़, कीड़े मकौड़े, यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी, ये सब सेल यानी कोशिकाओं से बने हुए हैं। क्या है यह सेल? एक्चुअली में यह सबसे छोटी एंटिटी है जो खुद पे जीवित है और एक प्रकार से यह बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसे ईंट की तरह समझ सकते हैं। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे सेल से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। चलिए इस सेल के बारे में हम बेहद ही रोचक तथ्य जानते हैं। तो प्रोटोजुआ बैक्टीरिया जो सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था एंटोनी वैन लियोवेनहॉक ने, जो 17वीं शताब्दी में इस पे काम किए थे। और फिर सेल जो शब्द है वो कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया। इसके बाद श्वान और स्क्लेडन जो 1839 में सेल थ्योरी लेकर आए, जिससे यह साबित हुआ कि सभी जीवित ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। आपको क्या लगता है हमारे शरीर में कितने सेल होंगे? 100, 1000, 10 लाख, करोड़? नहीं, लगभग 50 ट्रिलियन सेल हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। अगर आप एक पिंकी फिंगर ले या सबसे छोटी उंगली, उसी में ही आपको मिल जाएंगे कम से कम 10 बिलियन सेल्स। ह्यूमन बॉडी में बहुत प्रकार के सेल मिलते हैं। कुछ तो आप आंखों से देख सकते हैं जैसे कि अंडा, और कुछ बहुत लंबे होते हैं जैसे कि न्यूरॉन सेल जो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। वहीं सेल बहुत छोटे भी होते हैं। अगर आप एक ह्यूमन हेयर को लें तो उस ह्यूमन हेयर की चौड़ाई में 10 सेल आ सकते हैं। सेल इतने छोटे तक हो सकते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में 1.5 से 2.5 किलो वजन बैक्टीरिया का होता है। जो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में जितने सेल हैं उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वो आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी मास का 3% बैक्टीरिया होते हैं। एक सेल को 24 घंटा लगता है डिवाइड होने में। 120 दिन लाइफ स्पैन होती है रेड ब्लड सेल की। बाकी सेल के अलग अलग तरीके के लाइफ स्पैन हो सकते हैं, कुछ जल्दी मर जाते हैं, कुछ लंबे जीते हैं। 50 से 70 बिलियन सेल रोज मरते हैं हमारे बॉडी में, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो उम्मीद है ये रोचक तथ्य आपको बहुत अच्छे लगे होंगे अपने बॉडी के सेल कोशिका के बारे में जान करके। आगे इसी तरह के और वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।